हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। यानी कि क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं अगर आंसर्स करेक्ट हैं और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं अगर आंसर इनकरेक्ट है। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। और यहां हमसे कहा गया है कि जैक ने पार्टिसिपेट किया इस क्विज में और 5 राउंड में उसका जो स्कोर था, यानी 5 सक्सेसिव राउंड, एक के बाद एक 5 राउंड हुए, उसमें उसका स्कोर जो था यानी जो मार्क्स उसे मिले वो गिवन है। इधर फर्स्ट राउंड में मार्क्स मिले 25, सेकंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ राउंड में 15 और लास्ट यानी फिफ्थ राउंड में पॉजिटिव 10 मार्क्स मिले। हमें बताना है जब टोटल हुआ यानी एंड हुआ इस क्विज कॉम्पिटिशन का, तब टोटल मार्क्स कितने थे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे। जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, फर्स्ट राउंड में पॉजिटिव 25, सेकेंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ राउंड में पॉजिटिव 15 और लास्ट यानी फिफ्थ राउंड में पॉजिटिव 10 स्कोर यानी 10 मार्क्स उसको मिले। अब अगर हमें सभी मार्क्स को ऐड करना है यानी हमें टोटल निकालना है। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हम इसको सिंपल एग्जांपल में ले लेते हैं कि उसको मार्क्स मिले होते 10, 20, 30, 40, सब पॉजिटिव होते और हमें टोटल मार्क्स निकालने होते तो हम कैसे निकालते। हम सबको ऐड कर देते, हमें टोटल मार्क्स मिल जाते। वही काम अब हम यहां करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर दो जो उसके स्कोर यानी मार्क्स है वो नेगेटिव में है, लेकिन हम इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल मार्क्स एट दी एंड, यानी कि जब क्विज खत्म हुआ तब टोटल मार्क्स कितने थे। पहले जो उसको स्कोर मिला सबसे पहले राउंड में वो था 25, वो लिखा, उसमें ऐड करेंगे सेकंड राउंड का स्कोर और सेकंड राउंड का स्कोर नेगेटिव है। किया तो हमने ऐड ही है इनको, लेकिन उसकी वैल्यू ही नेगेटिव है सेकंड राउंड के स्कोर की। तो पहला स्कोर प्लस सेकंड स्कोर यानी कि -5, उसके बाद उसमें प्लस करेंगे थर्ड राउंड का स्कोर यानी कि -10, प्लस करेंगे फोर्थ राउंड का स्कोर यानी 15 और फिर प्लस करेंगे पांचवे राउंड का स्कोर यानी 10। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देते हैं। 25 एज इट इज, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होकर माइनस। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, साथ में 5 एज इट इज। यहां पर भी प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, साथ में ये 10 आ जाएगा। प्लस 15 एज इट इज, प्लस 10 एज इट इज। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट राउंड यानी 25 और ये 15 और ये 10, ये तीनों पॉजिटिव हैं, तो इन तीनों को हम एक साथ पहले ऐड कर देते हैं। 15 और 10 को प्लस करेंगे 25, 25 और 25 प्लस करेंगे तो 50 आ गया। अब ये दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर्स भी आपस में ऐड हो जाते हैं लेकिन उनका साइन नेगेटिव ही रहता है, तो 10 और 5 दोनों नेगेटिव थे तो इनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का 15। अब देखिए 50 पॉजिटिव है और 15 नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो माइनस कर दिया जाता है। 50 में से 15 को माइनस करेंगे 35 आएगा, बड़े नंबर का साइन क्या है 50 का, पॉजिटिव, तो आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव 35। यानी 5 राउंड के बाद, आफ्टर 5 राउंड्स, जैक का जो टोटल स्कोर था या जो उसे टोटल मार्क्स मिले थे वो थे पॉजिटिव 35। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।